और क्या हालचाल है मेरे शो लोग, सब कुछ बढ़िया ना? तो भैया वन प्लस के तरफ से आने वाला है नॉर्ड 2T। क्या फ्रूटी? ए तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। 2T। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो क्या यह स्मार्टफोन वन प्लस नॉर्ड 2 से बेहतर है? आइए देखते हैं। दोस्तों OnePlus Nord 2T वर्सेस OnePlus Nord 2 की बात करें तो सबसे पहले ये चीज आती है डिजाइनिंग के ऊपर। भैया डिजाइन कैसा है इसका? डिजाइन ऐसा है, मतलब ऐसे में देखोगे तो अलग अलग ही लगेगा आपको, क्योंकि कि इसका ये वाला पोर्शन अलग कर दिया गया है, कैमरा मॉड्यूल अलग टाइप का कर दिया गया है, लेकिन हमारी तिरछी नजर से इसका डिजाइन बच नहीं पाया। इसके थोड़ा सा अंदर अगर आप जाएंगे ना तो दोस्त इसका कैमरा मॉड्यूल देखिए, पहला वाला दो जो कैमरा है वो स्ट्रेट लाइन में है, तीसरा कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चाप के दिया गया है, बिल्कुल दोनों में सेम टू सेम पैटर्न का है। लेकिन डिस्प्ले देखिए बिल्कुल सेम टू सेम 6.43 इंच का 90 हर्ट्ज वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वो भी लेफ्ट पंचोल कटआउट के साथ और HDR 10 प्लस का सपोर्ट। प्रोसेसर कौन सा दिया गया है? Nord 2 में दिया गया था MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 1200, जहां पर इसमें दिया जाएगा MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 1300। इतना सा 19-20 वाला डिफरेंस बस। दोनों की तरफ प्रोसेसर यहां पर 6nm में आपको देखने के लिए मिलता है। और बात करें Nord 2 की, उसमें आपको कंपैरेटिवली ज्यादा Antutu benchmark स्कोर देखने को मिलता है, ये भी एक शॉकिंग चीज है। अच्छा रैम वेरिएंट्स की बात करें, Nord 2 में आपको 3 रैम वेरिएंट्स मिलता था, 6128, 8128, 12256 और LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता था, लेकिन 2T में जो मिल रहा है वो है खाली 8128 बस, और LPDDR4X वगैरह वो सेम टू सेम ही है। अच्छा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, दोनों में आपको OnePlus का ही वही सेम ऑक्सीजन OS मिलता है Android 12 के ऊपर, ठीक है। कैमरा OnePlus Nord 2 में आपको 50+8+2 मिलता था, सामने में 32 मिलता था। 50 मेगापिक्सल वाला जो मेन कैमरा था वो था IMX 766 वाला, सेल्फी कैमरा जो था वो था IMX 615 वाला। 2T में भी आपको सेम टू सेम कैमरा सेटअप मिलता है, खाली OIS ऐड कर दिया गया है बस। सेंसर्स दोनों फोनों में सेम टू सेम है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ये सब है, लेकिन 3.5mm हेडफोन जैक दोनों में नहीं है। कनेक्टिविटी फीचर की बात करूं तो फोन तो 5G था ही OnePlus Nord 2, उसके साथ साथ आपको 11 5G bands का सपोर्ट मिलता था, डुअल 4G वल्टी, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, NFC जैसे फीचर्स भी आपको Nord 2 में मिलता था। अब Nord 2T में भी सारी की सारी चीजें हैं, बस 11 bands की जगह पर कितना band सपोर्ट है वो फिलहाल मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी ये फोन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये फोन इंडिया में आ जाएगा, damn sure। बाकी इसकी बैटरी बैकअप की बात करूं, Nord 2 के अंदर आपको 4500mAh का बैटरी मिलता है, जो कि 65 वॉट के चार्जर के साथ आता है, और इसमें भी आपको सेम बैटरी बैकअप मिलता है लेकिन 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। बाकी डुअल नैनो सिम और स्टीरियो स्पीकर दोनों में सेम टू सेम ही रहेगा। स्पेसिफिकेशंस खत्म, यही कुछ था दोनों के दोनों फोन में। अब अगर अपग्रेडेशन की बात करूं Nord 2 से Nord 2T के, तीन चीजें आएंगी, हल्का सा डिजाइन, थोड़ा सा प्रोसेसर और इतना सा चार्जिंग एडेप्टर में अपग्रेड किया गया है बस। इन तीन चीजों के अलावा और कुछ अपग्रेड नहीं है। हाँ और एक चीज है, सॉरी प्राइस। शायद ये फोन आपको, मतलब Nord 2 तो आपको 27-28 हजार में मिल रहा था, ये फोन तो 30 क्रॉस कर जाएगा मुझे जहां तक लगता है, और अगर 30 के नीचे है तब ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि अपग्रेडेशन के नाम पर कुछ खास है नहीं इस फोन में। बाकी वीडियो यही तक था, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छा लगा तो लाइक वगैरह करो, और गर्मी लग रहा, बाय।